हेलो दोस्तों, त्योहार आप सभी को आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर चैनल, और हम सभी आज बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप दिया हुआ है उसमें शो और हाइड का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है जो हम लोग का जो पैराग्राफ ग्रुप में जो शॉर्ट का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कैसे करेंगे। और हमारे सिर्फ जो पैराग्राफ ग्रुप में सिर्फ एक कमांड बचा हुआ है शो और हाइड का, जिसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना, जैसे कुछ आप लिखते रहिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या होता है शो और हाइड ऑटोमेटिक शो करने लगता है। उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, उसका कहां कहां पे इस्तेमाल है, वो कब आता है, सारा का सारा चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। आइए हम सभी चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में शो और हाइड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो चुका है ना, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं शो और हाइड का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो शो और हाइड जो है सबसे खतरनाक चीज है, हम लोग को मिलेगा कहां। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होम टैब में चलते हैं। और होम टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपको दिया हुआ क्या पैराग्राफ, पैराग्राफ में जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ये हम लोग का शॉर्ट है जिसको हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। जो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग इसके पहले वीडियो आप लोग जरूर देखें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, शो या हाइड ये कैसे काम करता है, इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ। देखिए कंट्रोल प्लस मल्टीप्लाई का जो साइन है वो होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं यूज ऑफ शो या फिर यहाँ पे क्या करेंगे हाइड, ऐसे यूज ऑफ शो या फिर तो क्या हो गया हाइड। हम लोग इसको क्या करेंगे ऐसे सिलेक्ट, थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे करके बड़ा कर लीजिएगा, बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, कलर भी ऐसे करके चेंज कर लेना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। चूंकि अंडरलाइन करने के बाद होगा क्या कि वो एक बिल्कुल आकर्षित जो है आपका हेडिंग बन जाएगा, और जिससे आपको क्या होगा कि काम करने के लिए भी आसानी होगा। साथ साथ में आप इस टॉपिक में आप काम कर रहे हैं वो आपको क्या होगा फ्रंट में ही आपको पता चलेगा। अब इसके बाद एंटर करके नीचे आ जाइएगा। अब इसके बाद करना क्या है ना, यहाँ पे इक्वल टू आर ए एन डी, उसके बाद क्या करना है शिफ्ट के साथ यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, और इस तरह से दो आपको क्या करना है पैराग्राफ ले लेना है। उसके बाद क्या करिएगा एंटर कर लीजिएगा। अब इसके बाद करना क्या है ना, चूंकि देखिए हम लोग क्या किए यूज ऑफ क्या करने वाले हैं शो और हाइड, सेम कलर में हो गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना इसका कलर को चेंज कर देते हैं, ऐसे कलर चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए जैसे हम लोग का ये पैराग्राफ आ गया ना, अब हम लोग पैराग्राफ में क्या करते हैं ना इसको पूरा ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे एक बार शो या फिर हाइड में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे शो या फिर हाइड में अगर क्लिक किए हैं तो सभी जगह क्या हो गया आपके, देखिए यहाँ पर द के बाद, गैलरीज के बाद, इंक्लूड के बाद, आइटम्स के बाद, मतलब जितना भी एक एक आपका वर्ड है तो हर एक वर्ड के बाद क्या हुआ है आपका एक एक पॉइंट आपका जो है डॉट डॉट आपका लग गया है। साथ साथ में यहाँ पे देखिए एक आपका शो और हाइड आपको शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है, सबसे नीचे आपका शो कर रहा है। ये जनरली शो और हाइड जो है ना आपको क्या करता है इन्फॉर्मेशन देता है कि आप कितने जगह में क्या किए हैं पैराग्राफ आप चेंज किए हैं, कितने जगह में पैराग्राफ चेंज किए हैं और कितना वर्ड का आप इस्तेमाल किए हैं। तो जितना वर्ड अगर आप लिखे रहिएगा ना तो वर्ड के बाद क्या करेगा सभी जगह आपको देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक फुल स्टॉप है, यहाँ पर भी एक फुल स्टॉप है, इस तरह से क्या करेगा आपको फुल स्टॉप जो है हर एक वर्ड के बाद आपको दे देगा। तो वर्ड का जो बात होगा उसमें क्या देगा आपको फुल स्टॉप, जहां पे आप पैराग्राफ चेंज कर रहिएगा वहां पे क्या करेगा जो आपका शो और हाइड का जो ऑप्शन है ये आपका शो कर जाएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ चूंकि इंटर करके हम लोग नीचे आए थे तो पैराग्राफ चेंज हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसलिए ए वाला नहीं शो कर रहा है कहे कि हम लोग एक पैराग्राफ यहाँ पे लिए थे, एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक था, दो पैराग्राफ लिए थे तो दोनों क्या हुआ एक यहाँ से यहाँ एक यहाँ से यहाँ आ गया था। हम लोग इंटर करके यहाँ चेंज किया था तो जैसे इंटर किए तो यहाँ से क्या हुआ पैराग्राफ चेंज हो गया। जहां पे पैराग्राफ चेंज करिएगा वहां पे शो या फिर हाइट का ऑप्शन जो है आपका शो कर जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पैराग्राफ नहीं चेंज कर दिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना, गणेश चले मान लीजिए खा लेता है कुछ, उसके बाद बोलेगा कि खाया है तुम, कहेगा नहीं नहीं खाया, लेकिन जब आ करने का ये गाना तुम्हें दिखेगा। उसी तरह का चीज यहाँ पे है, आप जहां जहां अगर पैराग्राफ चेंज करिएगा, अगर नहीं अगर करे हुए रहिएगा तो आपका ठीक है, लेकिन जहां जहां अगर पैराग्राफ अगर चेंज कीजिएगा वहां पे क्या करेगा शो और हाइट का ऑप्शन आपको दिखाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं ना एक बार इसको क्लिक करते हैं, देखिए सारा का सारा हट गया, लेकिन जैसे भी यहाँ पे क्लिक करिएगा तो फिर से आपका क्या होगा शो और हाइट का ऑप्शन शो करेगा कि कहाँ कहाँ पे आप वर्ड लिए हैं, वर्ड के बाद कहाँ पे स्पेस प्रेस किए हैं, स्पेस भले प्रेस करे ना करे लेकिन वर्ड के बाद आपको फुल स्टॉप देगा, क्योंकि एक वर्ड खत्म होगा उसके बाद फुल स्टॉप। ये शो और हाइट का ये जो शो वाला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसका विशेषता है। जहां जहां पैराग्राफ चेंज करिएगा वहां वहां पे क्या करेगा पूरा इस तरह का क्या होगा एक साइन बन जाएगा। अब इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे चले अब इसके बाद इंटर कर लीजिएगा, जैसे अब इंटर किया तो यहाँ पर भी एक साइन लग गया,
उसके बाद जैसे आप इंटरप्रेस करिएगा यहाँ पर भी एक साइन लग गया। उसके बाद जैसे यहाँ पर इंटरप्रेस करिएगा, देखिए जैसे जैसे आप इंटरप्रेस करते जाइएगा तो कहाँ कहाँ बीच में आप प्रेस किए हैं, कहाँ कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करने का कोशिश किए हैं, सारा का सारा चीज आपको क्या करेगा दिखा देगा। तो बस यही इसका इस्तेमाल है। बस आप क्या करते हैं कि हर एक वर्ड के बाद पॉइंट देखें कि वर्ड एक खत्म हो गया और कहां कहां पे आप पैराग्राफ चेंज किए हैं, वहां वहां पे क्या करेगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। इस तरह का चीज है। जैसे यहाँ पे जहां जहां इंटरफेस करिएगा यहाँ पर भी इंटरफेस करेंगे, यहाँ पर भी इंटरफेस करेंगे। चूंकि इंटरफेस करने के बाद क्या होता है ना, आपका पैराग्राफ चेंज हो जाता है, तो जहां जहां पैराग्राफ चेंज होगा उसको शो करके आपको दिखा देगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं सबको हटाना, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका हट जाएगा। बस शो और हाइड का यही इस्तेमाल है।